नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर क्या हैं? नंबर्स तो नंबर होते हैं, इन सब नंबर्स के पीछे क्या कहानी है, इस सब को समझने के लिए आओ चलो देखते हैं ये वीडियो। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, उन की पॉइंट्स को समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स क्वेश्चन में भी यूज होंगे, इसलिए पहले इन की पॉइंट्स को समझ लीजिए। उससे पहले देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट, मतलब जो काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट, वो सारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इनका सिंबल n होता है जो हमारे हायर क्लास में काम आते हैं, इसलिए हमने साथ साथ सिंबल भी लिखे हैं। होल नंबर, होल नंबर का सिंबल w होता है, स्टार्टिंग द जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है 1, 2, 3 से इनफाइनाइट। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। अगर मैं सिर्फ जीरो हटा दूं तो बाकी सारे नेचुरल नंबर हैं, यानी सिर्फ जीरो का डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर वी नो दैट जो टू से डिविजिबल नहीं हो, टू से परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो, सारे ऑड नंबर होते हैं। तो 1, 3, 5, 7 टू अप टू इनफाइनाइट, दिस कॉल्ड इनफाइनाइट, यानी ये अनलिमिटेड है, इसलिए हम इनफाइनाइट यूज करते हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर। अब आपको पता लग गया ऑड है यानी टू से डिविजिबल नहीं है, तो इवन मतलब टू से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर यानी ऐसे नंबर जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो, यानी प्लस काउंटिंग और माइनस काउंटिंग को हम ऐड कर लें तो सारे सारे इंटीजर नंबर आते हैं। ध्यान रखना इसमें इंटीजर नंबर का सिंबल आई नहीं होता है, इसमें जेड होता है। जेड एक ग्रीक वर्ड है जेरलीन, तो उससे यूज किया गया है, जेरलीन का सिंबल जेड लिया जाता है, तो जेड यहां सिंबल आएगा। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि इंटीजर नंबर का सिंबल क्या होता है, इंटीजर नंबर किससे लिमिट किया जाता है, तो जेड से लिमिट किया जाता है। माइनस इन्फाइनाइट, -2, -1, 0 अप टू इन्फाइनाइट, मतलब माइनस से लेकर प्लस के सारे नंबर इंटीजर में आते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, प्राइम नंबर 1 से 50 कितने होते हैं, 1 से 100 कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल से डिवाइड हो और 1 से डिविजिबल हो। अब देखिए इसमें मैंने 1 नहीं लिखा है, 1 इज नॉट अ प्राइम और कंपोजिट, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, हमारा 2 होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, यानी ओनली 1 इवन प्राइम नंबर होगा, वो होगा 2। ध्यान रखना 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे सारे ऑड हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर में लिखने का रीजन यही है कि अगर प्राइम नंबर जो बच गए हैं वो सारे कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था 1 को हम ना प्राइम लेते हैं ना कंपोजिट लेते हैं, तो 1 के बाद देखें 3 के बाद 4 कंपोजिट हो गया, 5 के बाद 6 तो 6 कंपोजिट हो गया, 7 के बाद 8 कंपोजिट हो गया, 9 कंपोजिट हो गया, 10 कंपोजिट हो गया, 12 कंपोजिट हो गया, मतलब जो पीछे बच रहे हैं प्राइम छोड़ने के बाद वो सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी क्यू, फिर देखिए सिंबल, सिंबल क्यू लिया है, इसको क्वेश्चेंट नंबर कहते हैं। क्यू फिर वही बात, हमारी लैंग्वेज का नहीं है, क्वेश्चन वर्ड से लिया गया है, तो क्वेश्चन यानी क्यू सिंबल होगा इसका। ध्यान रखना सारे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने वाले नंबर रेशनल कहलाएंगे। कंडीशन है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू कोई भी नंबर इंटीजर हो सकते हैं, मतलब माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आप समझ सकें, 2/3, -1/5 और 0/1 एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ मैंने 3 से लिखे हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई हो गया। इसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फिर ध्यान रखना सिंबल एस लिया गया है, एस इज सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है, एग्जाम्पल लिखे हैं, यानी जो रेशनल नहीं होंगे वो सारे इरेशनल में आ जाएंगे। एग्जाम्पल √2, √3, √5, यानी जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो वो सारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आई होप समझ गए होंगे, जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलता, जैसे √2 का हमें नहीं पता कितना होता है, √3 हमें नहीं पता कितना होता है, √5 हमें नहीं पता परफेक्टली कितना होता है, ठीक है, तो ये सारे सारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे।
इसके अलावा जिन वैल्यूज डिनोमिनेटर में जीरो आता है, जिसमें 1/0, ये क्या हो जाएगा? इररेशनल। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं 1/0 क्या है, तो 1/0 इज इररेशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर का सिंबल आर ही है, रियल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? सारे रेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर है। अब रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल को मिलाकर सारे नंबर बोल दिए जाए तो वो सारे रियल नंबर हो जाएंगे। अब रियल का अपोजिट क्या होता है, रियल नंबर का अपोजिट क्या होता है, तो ध्यान रखना रियल नंबर का अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, जिनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में भी इनकी वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे टॉपिक नहीं है बट हाई लेवल का है, अगर आपने एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर से पूछना चाहें जिस जीके क्वेश्चन या मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछना चाहें तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं कि ये रूट माइनस टू कैसा नंबर है। रूट माइनस टू एक इमेजिनरी नंबर है, इसकी वैल्यू हम इजिली फाइंड नहीं कर सकते। ये आयोटा के फॉर्म में आता है जो हमारे हायर क्लासेस 11th 12th में आता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज द इमेजिनरी नंबर। हमारा रियल नंबर टॉपिक है, रियल नंबर हम 10th क्लास में भी डिस्कस करेंगे बट अभी हम सिर्फ रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे इस क्लास में। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको बताना है इज जीरो इज रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है, और जीरो रेशनल नंबर है तो कैन बी रिप्रेजेंट अ पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्या पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, हाँ जीरो रेशनल नंबर है, बिकॉज जीरो अपॉन वन मतलब वेयर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हमने पी तो जीरो लिख दिया तो जीरो अपॉन वन इज अ फॉर्म में आ गया तो रेशनल नंबर हो गया। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, और पी और क्यू इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 और 4 के। मैंने बहुत इजी वे में करा है, इसके अलावा भी मेथड होंगे बट मैं हमेशा बच्चों के लिए इजिएस्ट मेथड लाता हूं जो आपको फटाफट कैचअप करेगा, फटाफट समझ में आएगा, तो वही मेथड लिया है मैंने। देखिए 6 हमें फाइंड कितने करने हैं, 6 फाइंड करने हैं, तो हमने लिख दिया एन इज इक्वल टू 6, हमें कितने फाइंड करने हैं 6 फाइंड करने, तो एन इक्वल टू 6 आ गया। इसमें हमेशा प्लस 1 करेंगे तो एन प्लस 1, 6 + 1 कितना हो गया 7। अब जो भी नंबर पूछे हैं, जितने नंबर पूछे हैं उनमें मतलब 3 और 4 पूछा है, तो 3 को हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रेशनल का मतलब यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो हमने 3/1 लिख दिया। 3/1 लिखने का रीजन यही है कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म आ गया। इसको 7 और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों जो नंबर पूछा था 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7s are 21/7 और 4 7s are 28/7। 21 से स्टार्ट करना है, 28 तक एंड करना है, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब देखिए फर्स्ट नंबर छोड़ दीजिए और लास्ट नंबर छोड़ दीजिए, इसके बीच में काउंट करेंगे तो आपके 6 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गए और यही हमारा आंसर है। डायरेक्ट लिख दीजिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन आर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा है, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई भी करना है, तो बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये मैंने सामने इसीलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिकॉज रियल नंबर मैंने फर्स्ट ट्रू लिखा है, उसके बाद रीजन समझाया है कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस इरेशनल, सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब वही बात है कि रियल नंबर में रेशनल दोनों आते हैं, तो वो अगर यहां रेशनल लिखे तो भी ट्रू है और इरेशनल लिखे तो भी ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज द नेचुरल नंबर, एम नेचुरल नंबर है, तो मैं नंबर लाइन इसलिए रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको समझ में आ जाए नंबर लाइन का मतलब माइनस भी होता है प्लस भी होता है, बट यहाँ नेचुरल नंबर लेना मतलब इस तरफ वाले नंबर लेने हैं आपको, इस तरफ वाले नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 लेना है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे नंबर है रूट एम की फॉर्म में है, तो चेक कर लेते हैं रूट वन, चलो ठीक है रूट वन तो आ रहा है, रूट टू क्या पॉसिबल है, रूट टू की वैल्यू, रूट टू की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.412,
नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, इज नॉट पॉसिबल ऑन नंबर लाइन, रूट थ्री नॉट पॉसिबल, रूट फोर पॉसिबल, मतलब कुछ पॉसिबल है कुछ पॉसिबल नहीं है, बट ये क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ये साथ में इसे लिखना है कि आपको समझ में आए। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, जस्ट उसका अपोजिट है। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें और इसमें, ध्यान रखना वर्ड्स स्टेटमेंट जो है वो आप बहुत प्रॉपरली पढ़ना। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं होते, बिकॉज इरेशनल कैसे हो सकते हैं? जब रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं तो इरेशनल तो हो सकता है, बट रेशनल कहां से हो सकता है? जो इरेशनल है वो रेशनल कैसे होगा? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल, सो इट नॉट पॉसिबल, एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपसे पूछा है कि एवरी स्क्वायर रूट इज स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल, क्या सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो यू हैव टू गिव एन एग्जांपल। वी राइट नो एवरी स्क्वायर रूट्स आर नॉट इरेशनल, बिकॉज सारे स्क्वायर रूट्स इरेशनल नहीं होते हैं। रीजन क्या है? एग्जाम्पल फॉर्म में देख लीजिए, रूट वन, रूट वन का स्क्वायर रूट होता है तो ये वन हो गया और वन इज इरेशनल। रूट फोर पॉसिबल है स्क्वायर रूट टू, ये इरेशनल हो गया। रूट नाइन, थ्री, रूट सिक्सटीन, रूट ट्वेंटी फाइव, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी एग्जाम्पल लिख के आप आंसर कर सकते हैं। आई होप आज पढ़ाई की एक्सरसाइज और ये की पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये की पॉइंट्स ध्यान रखना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लिंक में भी दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी आपको। इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट करें, इस एक्सरसाइज को आप हाथ से वापस करके देखें, बिकॉज मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के लिए होती है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। थैंक यू।